अब हम फोर्थ मेथड करते हैं, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो देखिए पैरामीटर्स कौन से हैं, उनका वेरिएशन कैसे करेंगे, हम इसको समझते हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए क्या है, इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्यू वाई इक्वल टू आर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, जहाँ पे पी क्यू आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसका सी एफ निकालना है। अगर सी एफ डायरेक्ट नहीं निकल पाता है तो हम क्या करेंगे, उसके दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे, यानी इक्वल टू जीरो करके, यानी इसके सी एफ के दो पार्ट निकाल लेंगे। तो स्टेप नंबर वन क्या हो जाएगा कि फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्यू वाई इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो। तो देखिए अगर इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, इसका सी एफ ही निकाल रहे हैं, दैट इज टू पार्ट्स ऑफ सी एफ ऑफ वन, यानी वन के सी एफ के दो पार्ट्स चाहिए हमें। लेफ्ट उनको नाम दे देते हैं वाई वन और वाई टू, आर टू पार्ट्स ऑफ सी एफ ऑफ वन, यानी दो हमने इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकाली है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर जीरो करके। तो देयर फोर सी एफ आपके पास क्या बन गया, ए वाई वन और प्लस में बी वाई टू, जहाँ पे ए और बी आपके पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, पैरामीटर्स कह रहे हैं। तो इन पैरामीटर्स का वेरिएशन करना है, तो ए और बी को हम मान लेते हैं यू और वी। लेट अस रिप्लेसिंग ए एंड बी बाई यू एंड वी, वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, सो दैट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन। तो देखिए ये अभी तक हमारे पास सी एफ था वन का, लेकिन हम ए और बी को अगर यू और बी में रिप्लेस कर देंगे तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा वन। इज वाई इज इक्वल टू यू वाई वन और प्लस में वी वाई टू। तो देखिए वाई वन वाई टू निकाल चुके हैं, हमारा काम क्या रह गया, सिर्फ यू और वी को निकालना रह गया। तो उसके लिए हम निकालते हैं पहले वाई वन और वाई टू का रॉन्स्कियन। तो स्टेप नंबर टू, फाइंड रॉन्स्कियन ऑफ वाई वन एंड वाई टू, दैट इज हम इसको डब्ल्यू लिख देते हैं। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई वन वाई टू और वाई वन डैश और वाई टू डैश इसका डिटर्मिनेंट, ये आपके पास कोई ना कोई फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। इसके बाद निकालते हैं हम यू, यू का हमारे पास फॉर्मूला है माइनस इंटीग्रल ऑफ वाई टू आर बाई डब्ल्यू डी एक्स और प्लस में सी वन। तो देखिए आर भी हमारे पास पता है, वाई टू में निकाल लिया है, डब्ल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो ये यू की वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे और एक वी निकालेंगे। तो वी का हमारे पास फॉर्मूला है कि इंटीग्रल ऑफ वाई वन आर बाई डब्ल्यू और प्लस में सी टू। तो देखिए यू और वी हमारे पास आ जाएंगे इस तरह से, तो यू और वी की वैल्यूज हम पुट करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो स्टेप नंबर थ्री हमारे पास क्या हो जाएगा कि द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन इज वाई इज इक्वल टू यू वाई वन प्लस वी वाई टू। ये वैल्यूज पुट करने से हमारे पास में सी वन सी टू भी आएगा, तो यहाँ आप जहाँ पर लिख देंगे वेयर सी वन सी टू आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा।